Aslanikum dear students <clears throat> for class 8 today we are going to study a topic from the minerals and power resources chapter uh, we have already completed minerals and today we are going to complete today we are going to start a topic that is power resources <clears throat> what are actually power resources or we also called them energy resources in him, energy resources bhi kehte uh, these are actually the resources from which power or energy is generated jinse hum power ya energy jo hai wo generate karte hain theek hai na jo ye power resources hain they are very much important ye bahut zyada important hai it is uh, because of the fact that uh, these power resources we need them we need them for the industry इनको industry में use किया जाता है factories run करने के लिए हमें power की जरूरत पड़ती है energy की जरूरत पड़ती है ठीक है ना वो यूज़ दैम इन एग्रीकल्चर फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है ना जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इरीगेशन के जो स्कीम्स है देर रन ऑन द पावर दे रन ऑन एनर्जी उनके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर वो यूज एनर्जी इन इंजनज फॉर एग्जाम्पल टू रन कार्स टू रन रेलवेज एरोप्लेंस ठीक है ना इसके लिए भी जरूरत पड़ती है एंड ऑल्सो फॉर द कम्यूनिकेशन कम्युनिकेशन एंड डिफेंस पर्पज के लिए भी हमें पावर रिसोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो दीज रिसोर्स दे आर एक्चुअली वेरी वाइटल दे आर एक्चुअली वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइव इन इन रनिंग फैक्ट्रीज इन रनिंग मशीनरी इन रनिंग ऑटोमोबाइल दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है ये पावर रिसोर्स ठीक है ना गुड पावर रिसोर्स को जो है दो टैप्स में जो है हम इनको डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं इट इज़ कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पावर सोर्सेज जो है दो तरह के होते हैं वट इज कन्वेन्सनल सोसेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ठीक अच्छा ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन कौन से हैं ठीक है ना पहले देखिए हम कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज आर सिंपली दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम जो हम आ, बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं ठीक है ना जो पहले ही इन्वेंट किए गए थे फॉर एग्ज़ाम्पल यू विल सी फायरवुड फायरवुड जो है इट इज़ यूज टू जनरेट जनरेट एनर्जी या फॉर एग्ज़ाम्पल फॉसल फ्यूल्स फॉसल लाइक कोल पेट्रोलियम ठीक ये है कन्वेन्शन सोर्स कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो है ये इनको बहुत टाइम uh, पहले जो है uh, बहुत टाइम पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं

इनका अभी ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है खासकर इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया अगर हम यहाँ पे कंट्रीज़ देखेंगे फॉर एग्जांपल डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ इनमें अब बहुत सारा पावर जो है एनर्जी जनरेट की जाती है कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स से लेकिन जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें ज़्यादातर यूज़ अभी जो है कन्वेंशनल सोस का ही यूज़ होता है ठीक तो कन्वेंशनल सोर्स आर सिंपली दो सोर्स ऑफ एनर्जी Uh, which have been you, which we are using since a long time which 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 we have been used uh, in a, which have been used uh, for a long time and non-conventional sources are those sources of energy which are new which have been developed uh, recently jinko recently jo hai develop किया गया है for example अगर हम con conventional sources के एग्जाम्पल देखेंगे जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको firewood है for example ठीक है ना uh, fossils है for example कोल है पेट्रोलियम है नेचुरल गैस है तो इन्हें बोलते हैं हम कन्वेंशनल सोर्सेस, ठीक और अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स की एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस की एग्ज़ाम्पल देखेंगे uh, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर एनर्जी है ठीक है ना अब इसका अच्छा खासा यूज़ होता है अब सोलर एनर्जी जो है uh, uh, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है uh, आज या विंड एनर्जी है ठीक जो विंड से हम जनरेट करते हैं एनर्जी इट्स न्यू इट्स क्वाइट न्यू अभी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है फॉर एग्ज़ाम्पल टाइडल एनर्जी है जो टाइडस से जनरेट होती है ठीक है ना जब ओशनज में सीज में टाइडस उठती है इससे भी एनरेज एनर्जी जनरेट होती है या फॉर एग्जाम्पल वी हैव जियो थर्मल एनर्जी ठीक है ना द एनर्जी फ्रॉम द अर्थ जो अर्थ से एनर्जी मिलती है ठीक है ना जियो थर्मल एनर्जी जो अर्थ के अंदर से एनर्जी है इसको यूटिलाइज किया जाता है तो इन सोर्स को कहते हैं नॉन कन्वेंशन सोर्सेज फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी विंड एनर्जी टाइडल एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी इनको कहते हैं नॉन कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक वेरी गुड तो आज हम देखेंगे अब है एक्चुअल में ये डिटेल्स में पढ़ने हैं सारे जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो पावर सोर्स है इनको हमें डिटेल में पढ़ना है एक्चुअल में सभी को जैसे कोल भी हम डिटेल में पढ़ेंगे पेट्रोलियम पढ़ेंगे फायरवुड पढ़ेंगे या फॉर एग्जांपल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में हम पढ़ेंगे विंड एनर्जी टाइडल एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी जितने भी सोर्स हैं इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे तो पहला ये छोटा ही है थोड़ा बहुत इसलिए मैं इसी को उठा रहा हूँ अभी इस लेक्चर में तो कल से जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक से हम कोल पेट्रोलियम जो इनको पढ़ेंगे तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें जो फायर सोर्स है इट इज फायरवुड जो एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फायरवुड विच हेज बिन विकूज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो लॉन्ग पीरियड से यूज uh, किया जाता है ठीक है ना अगर हम डेवलप्ड uh, कंट्रीज़ में देखेंगे तो फायरवुड का यूज़ अभी एनर्जी एज एनर्जी सोर्स नहीं होता है ये ठीक है ना बट इन ए कंट्री लाइक इंडिया अगर हम इंडिया की बात करेंगे ठीक है ना स्टिल सम फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एस्पेशली लिविंग इन रूरल एरिया जो रूरल एरियाज में रहते हैं ठीक है ना वहाँ पर अभी भी ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है फायरवुड जो विलेज है रूरल एरियाज़ में वहाँ पे स्टिल फिफ्टी आई सेट दैट फिफ्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया या डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज में देखेंगे हम बांग्लादेश पाकिस्तान अफ्रीकन कंट्रीज देखेंगे हम ठीक है ना बहुत सारी पापुलेशन जो है दे फॉर देयर एनर्जी नीड्स एनर्जी नीड्स के लिए जो है वो अभी भी फायर वुड का यूज़ करते हैं स्पेशली इन द फॉर द पर्पज लाइक हीटिंग और फॉर द पर्पज़ लाइक कुकिंग इन होम्स जो फायर वुड का यूज़ होता है ठीक है ना इसके कुछ uh, हम कह सकते हैं एडवांटेजेस भी है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एडवांटेज में अगर हम देखेंगे um, जो फायर वुड है ये इज़ली अवेलेबल है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये ईजली अवेलेबल है इजली uh, एवेलेबल है फायर फायर वुड फॉर एग्ज़ाम्पल या फॉर एग्जाम्पल ये इसको हम uh, एक तो ईज़ली एवेलेबल है ये आराम से जो है पॉपुलेशन गाँव में इस्पेशली रूरल एरियाज़ में ये इजली एवेलेबल होता है एंड ऑल्सो uh, जो एनर्जी जनरेट uh, होती है इससे ये कुकिंग और हीटिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज किया जाता है ठीक और एक कॉस्टली नहीं है जो रूरल पापुलेशन होता है वहाँ पर यह कॉस्टली नहीं है ठीक है न हाँ अगर हम इसके डिसएडवांटेज uh, की बात करेंगे यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात करेंगे फायरवुड की तो ये एक प्लूटिंग सोर्स है ठीक इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है जो दिवुल धुआं निकलता है इससे दैट इज़ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है इससे बहुत ज़्यादा जो है uh, जो गैसेस है विच आर एक्चुअली हार्मफुल वो इससे निकलते हैं तो ये इसका एक डिसएडवेंटेज है ठीक ग्रीन हाउस इफेक्ट ठीक है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे होता है जो स्पेशली द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड जो इसके जलाने से निकलते हैं तो इसे ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गेसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन या कार्बन मोनोक्साइड तो जिसे टेम्परेचर बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर uh, का टेम्परेचर uh, इस टाइम बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं ठीक है ना एंड ऑल्सो जो प्लांट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम फायर रूट का यूज़ करते हैं तो डिफॉरस्टेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है ठीक इनशा नेक्स्ट टॉपिक में हम और कन्वेंशनल सोर्स में इनशाला कोल और पेट्रोलियम देखेंगे थैंक यू वेरी मच